वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमा पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तों को नमस्कार। आज मैं एक बहुत सुंदर जो है पूजा के बारे में, विधान के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप सबको पता है सावन मास चल रहा है और सावन के महीने में पार्थ शिवलिंग की पूजा करना बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। इस शिवलिंग की पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो कन्या हो, इसमें कोई बाधा नहीं होती है। और यह पूजा, पार्थ शिवलिंग की पूजा करने से हमें हजारों प्रकार का सुख प्राप्त होते हैं। हमारी जन्म कुंडली में हजारों प्रकार के जो दोष हैं वो खत्म होते हैं। जैसे विवाह में बाधा है, नौकरी में बाधा है, मन अशांत रहता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिव जो है ऊर्जा है, नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा है, मानसिक तनाव है, डिप्रेशन के तुम शिकारी हो, तो हर बाधा का समाधान बाबा भोलेनाथ हैं। और पार्थिक शिवलिंग की पूजा करने से हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये पार्थिक शिवलिंग होता क्या है, पार्थिक शिवलिंग की पूजा हम कैसे करें, इस पार्थिक शिवलिंग की पूजा करने का तरीका क्या है, आपको बताऊं। पार्थिक शिवलिंग क्या है, पार्थिक शिवलिंग को मिट्टी से निर्माण किया जाता है, जैसे गंगा की मिट्टी, यमुना जी की मिट्टी, या तीर्थ स्थान की, पीपल के पेड़ के नीचे की, बड़ के पेड़ के नीचे की, तो इन जगहों से मिट्टी को लाया जाता है। और मिट्टी को लाने के बाद में उस मिट्टी में क्या क्या हमें मिलाना चाहिए, जैसे उसमें दूध, दही, शहद, गौमूत्र इत्यादि का जो है मिलाकर उनको और पार्थ शिवलिंग का हम निर्माण करते हैं। उसको निर्माण करने के बाद में इस तरह का वो शिवलिंग निर्माण होता है, उसमें सह परिवार गौरी, गणेश, कार्तिक, नंदी, सर्प इत्यादि भी हमें बनाने चाहिए मिट्टी के। 11, 21, 51, 108 इस तरह के हमें शिवलिंगों का निर्माण करना होता है। शिवलिंगों का निर्माण करने के बाद में हमें उसका अनुष्ठान आरंभ करना होता है। शिवरात्रि के बहुत से जो है विद्वान जो व्यक्तिगत लोग हैं, वो बहुत से व्यक्ति लोग जो है एक दिन की पूजा कराते हैं, बहुत से तीन दिन की, बहुत से सात दिन की पूजा कराते हैं। हर पूजा का अलग अलग विधान है, अलग अलग तरीका है। और आप अगर किसी ब्राह्मण से पूजा नहीं करा सकते हो तो आप स्वयं भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने का तरीका क्या है, जैसे आपने शिवलिंग का निर्माण कर लिया, जो स्क्रीन पर आप शिवलिंग देख रहे हो, इस तरह का आपने एक शिव परिवार बना लिया। शिव परिवार बनाने के बाद में आपको यह पता ही चल गया कि इस मिट्टी में हमें क्या क्या मिलाना है और क्या क्या मिलाने से जो है हमें शिवलिंग हमारा निर्माण होगा। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करिएगा और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ साथ में इस शिवलिंग की पूजा आरंभ करिएगा। प्रतिदिन मान लीजिए आप एक दिन की पूजा कर रहे हो, या तीन दिन की, या सात दिन की, या पांच दिन की पूजा कर रहे हो, तो इस पर बेल पत्र अर्पण करें। बेल पत्र अर्पण करने के बाद में अभिषेक करें बाबा का और ओम नमः शिवाय का इनके सामने बैठकर जितना अधिक हो सके उतना जप करें। ओम नमः शिवाय जपने से आपके दुख दूर हो जाएंगे और बाबा की पूर्ण विधि विधान के द्वारा पूजा करें। और पूजा करने के बाद में आपकी जब जिस दिन मान लीजिए आपने तीन दिन की पूजा रखी या एक दिन की पूजा रखी, तो उस दिन जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तो बाबा का विसर्जन कराएं, नदी नहर इत्यादि में जो है बाबा का विसर्जन करें। और विसर्जन करने के बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि इस पूजा से आपको क्या लाभ मिला है। मन बड़ा शांत रहेगा, विवाह की बाधा दूर हो जाएगी, मानसिक तनाव है तो वो दूर हो जाएगा। आप प्राप्त लक्ष्मी, यानी कि किसी लक्ष्मी को प्राप्त करने में आप असमर्थ हैं तो वो उसकी हमें प्राप्ति होगी। संतान में बाधा है, ग्रह कलेश है, तो हर चीज में बाबा इस चीज के लिए आपके लिए सहयोग करेंगे और बाबा की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।